सारे ले लो इसका तुम्हारा नहीं गतेला गतेला देख लो जी के को बहन का इसका तक गतेला बढ़ा लूंगी बताइए गतेले का सूट है नहीं तो मैं समाज की गतेले की तरह है। हेलो राम राम जी सारा ने सारे बढ़िया हो गए ठीक ठाक हो गए। तो जी ना तो लिती काम गया था वो उनकी सर तो आज तो मैंने देखो खुले पड़े हैं बाल तक घर में खुले रखा है कुछ ज़्यादातर क्योंकि खुले रहने की बोल रखी है मेरे को अब डॉक्टर ने ताला लगा दिया जी देखो मैंने ताला दिया लगा। अरे मैं जाऊँ चाची के दाल पिसवा के लेकर आऊँगी क्योंकि उसकी छोटी चक्की है ना और आप लोगों ने भी दिखाऊंगी कैसी चक्की है तो उसकी छोटी चक्की पे है ना दाल अच्छी पिज्जा है बढ़िया पिज्जा है। तो कल तो चाची की तबीयत ठीक नहीं थी सिर में दर्द हो रहा था बोली बेटी फिर आ जाइए तो आज का नाम लिया था उसने भी बोली कि कल आ जाइए टाइम से थी तो भी बल्कि एक वजन हो रहा है मेरा तो कम नमटा सही कुछ होता है मेरा तो कम नमटा ना करा जाते थी तो ईद काम नमटा है और ईद जाऊँगी और ईद पसवा के लेकर आऊँगी जी पसवा करके धूप लगवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत चाची की आसन होगी तो उसको उसने भी लगवा दी होगी और फिर सत्य मैं उसको पूछ कर मैं एक पीस ले आऊँगी मैं कहा बताती चाची की चल लिया करें क्योंकि वह उसी चक्की है और तरह की चक्की तो मार भी है पर वह हमारी खराब हो रही है स्टोर में गिर रखी है हमने तो जो स्टोर है ना इस स्टोर में रख रखी है क्योंकि उसमें करकराटा था इस मारे। तो चलो जी चलते हैं चाची के घर और दिखाती हूँ आपको भी चाची की चक्की कैसी है चलो चलते हैं। धूप तो अच्छी नहीं चल रही है मन तो ऐसा करा जैसे धूप में बैठ जाऊं लेकिन आटा भी तो देखो जी जी चाची की मशीन मैं दिखाऊंगी मशीन चक्की फरी सी है जो फरीद है ये लगा रखा है इतना मैंने खोल दी थी चाची ने और देखो जो फरीद है बेबे आड़े तो आड़े इस तरह हो गया है और देखो इसकी पूरी क्वालिटी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कहूँगी ना मैं क्या चाची का जाऊँगी बेसन का सवा के लाऊंगी देखो भाई ये है ना ऐसे सेट हो जा है आड़े तो आटा आए जागा और इसने ऐसे करके निकाल लिया देखो इसको आटा डल जा है पीस पीस के ना या चक्की है और आड़े तो आटा निकालो है और देखो भाई को इतनी आड़े आटा बेटे हूँ आटा जो भी हमने डालना है बेसन पीसना होता है भाई चने की दाल चने जो भी है गेहूँ इसमें डल जाए और वाटा आ जाएगा और देखो भाई इसमें ना कि कुंबड़िया खास क्वालिटी इतनी सारी छन्नी दे रखी है बहुत सारी देखो मतलब मिया मोटा उससे भी मोटा और देखो भैया है दलिए की दिखाओ तुम नहीं ये दलिए की है और मैदा की भी है इसमें इसमें मैदा की भी है देखो कितनी बारीक दे रखी है ये मैदा पीसने के लिए है देखो दिखाऊ ये देखो बता भाई इतनी सारी छन्नी दे रखी है हमारी काकी की तो मौज कर रखी है काका ने चाहे दलिया पीसो है चाहे चून पीसो चाहे बेसन पीसो चाहे मोटा मिया किसाए पीसो यार सारी सेट होगी जी जी इसमें है अरे भी इसमें वह दाल गाल लगी काकी दोरे गलवाऊंगी मैं ताती नहीं है चलानी अरे यार डोरी भी लगा रखी इसकी परे ने किचन में और वही भी ने उल्टा सेट चुप के अरे चला दे चाची दोरे चलवाऊंगी वे मैं ये देखो कर दिया है वैन सेट ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਰੀ ਵੀ ਸਮਦਾਨ ਘਾਲ ਦੇਂਗੇ ਵਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਬੈਨ ये चला दी चक्की और ये इसमें दाल डाल दी है और वो नीचे बेबे कष्ट है उसके अंदर डल डलता हुआ जो वह टंकी है अंदर लगा रखी है देखो ये तो रखी हुई भी ऐसी लग रही है जैसे फ्रिज है कोई छोटे वाला देखो मतलब इतनी सुविधा दे रखी है तो क्या पता नहीं मतलब क्या क्या चल गया अब ये चल रही है देखो दिख भी रहा होगा हल्के से देखो ये जाने लग रही दाल नीचे अब बस जागा मेरा बेसन फिर मैं घूस जाऊंगी फिर नहीं रुका करती इतने रुक रही हूँ तो वे बात करी थी चाची तो नुली मैं अपनी भी पीसूंगी राजा लिया जब लेकर आई थी बस जा है और फिर लेकर जाऊंगी। देखो जी बुला लिया मैंने अपनी सासू माँ सूट पसंद करने के लिए अब देखो इनको कौन सा सूट पसंद आएगा वैसे तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिए थे भाई कौन सा मेरा है और कौन सा मम्मी का है बाकी इनकी भी चॉइस देख लेते हैं कि कौन सा पसंद आएगा अभी लेके आती हूँ लो जी सूट देखो पसंद करो कौन सा पसंद होगा किन्नू ये लिया है तो
ये सूट है आप पसंद कर ले, कौन सा पसंद आओगे। मैंने ये नहीं की तैयार बिगाड़ दी थी, मैं कल वीडियो बनाती हूँ की तैयार बिगड़ दी देख लो यो चीज पसंद है तो ले लो, और यो पसंद है तो ले लो, वही पसंद है तेरा है। मैं भी यही पसंद करके लाई थी आपका, देख लो जी यही पसंद आया है और मैंने पसंद करवा दिया है। कभी आप भी सोचो हमारी माने तक कब है। अच्छा लफा भी दाग दी हूँ, सूट दे दिया है बिल्कुल स्वाद स्वाद बार बना रहा तू दाना और कुत्ता पड़ो तेरे कमाई में फिर के तो मेरा बेटा गणा कमावा तेरे बेटे पर दे बेटी पर दे प्रेस भी ना हो मौत हो जाएगी। यो तो पैर का है, इसमें बहुत बढ़िया देखो ना देखा, देखो देखियो स्टोन है इसमें, और यो सूट का सूट है पूरा। देखो जी कैसे टोल से टोल पसंद है, सूट ने कुल से मांगा फिर सूट ना होता है ले जा है बुड्ढा के कौन आई। अच्छा फिर क्या हो गया बुड्ढे के लते ना पैसे है बुआ का टाइम पसंद करा के ना सूट के सूट जूते सूट जूते चुनरी किसी अभी पास हां पर ये सूट से। अच्छा जूते सूट मतलब की ओली कर दी था जूते सूट चुनरी मतलब कितने महंगे हो है कम वाले तो है सूट बढ़िया ना लगे चुनरी पर जोर सूट दिया बताइए जी कमेंट करके बताइए कि खराब है ये सूट बढ़िया पर न्यू का हमने स्वभाव को ना पता क्या हो रहा है का सवाल है पर वो तो वाय बात है अपनी अपनी चॉइस हो जा भाई। उम्र भी होगी फिर क्या हो गया उम्र की गल ना के मन ना होता उम्र की जब फिर इस तक बाहर था सुनील का या बात शिक्षा मन ना कोई हो कदे उम्र ने मैं बड़ी होते मन ने क्या लग गया उम्र होगी मैं तो कर नहीं नहीं ये मेरे तो शौक से ठीक है नु क्या कर लिए चापड़ा ला हूं मैं ठीक है यो पसंद होता देख लियो शमाइए यो उससे भी बाहर है यार नीचे बाबा इसे बताइए तो बताइए बनाओगी। लो जी गई मैं इनकी दादी तो पर ले गया वाह उस तो इस बारे में सोची मेरा बड़े में दिक्कत हो रही है तो इस बारे में सोची लाइव अपने सूटा उठा कर रख दूर में तीन बली बलाई सी के तू तनडा हुआ काटा इसे मोटे मोटे सूट ले पा रही मगा ना जी कुछ भी है देखो सर्दी तो लग गई है जब बढ़िया सर्दी पड़ेगी जनवरी में जब खुद हाथ पैर तो थर नहीं जाते जब तो मोटे सूटा की जरूरत पड़े है तो इस मारे दुकानदार जी मैं तो मका ले आई तो मैंने तो सर्दी में तो सर्दी के पहनने चाहिए पहले तो मैं बहुत कम सिलवाया करती वैसे क्योंकि मेरी सिस्टर है ना बड्डे वाली वो दे दिया करे मैंने मैं उसके पहन लिया करती वैसी है उसका सिलवा तो लेगी पर उसका सूट कम करा है उसका एलर्जी की प्रॉब्लम है वन लगी मेरा लड़ाई है मगा चल तुम्हें तो दे दे इवा कम सिलवा लगी और उसका मैंने भी कह लगी मका बेबे तुम्हें तो बनाए सिलवाए दे दिया अगर ठीक है मका तो सिलाई भी क्यों गेरा कर मका मैं अपने तरीके से अपने हिसाब के सिलवा लूंगी बोली अच्छा तू पूछा नहीं मका और एक दो सिलाई भी गेरेगी एक दो पहनेगी फिर मेरे तो दे देती तो अब दो साल हो गए मैं अपने खुद सिलवा लगी ना उससे पहले मैं कभी सूट नहीं सिलवाती थी सर्दी के उसी के पहन लिया करती तो ये अब एक दो साल तक लेके आई हूँ दो पिछली साल लेके आई थी दो अब की बार लेके आई हूँ मगर अब इन्हें उठा कर न रख दू हूँ वो इसकी दादी बोली मैं अभी कब मैं पहन ना करूँ सर्दी के मकान एक तो सिलवा लियो आप पहन कुछ नहीं होता पहनने चाहिए तो जी न रख दू हूँ उठा कर
और है ना बेसन पिसवा के लाई थी चाची के तै बेसन पन्नी में रखा है, इसने आप डिब्बे पर डालूंगी क्योंकि एक बार डिब्बा को जो खाली हो जाए ना वो उसमें फिर कुछ और डल जाए कुछ और डल जाए, इस मारे देखूंगी कोई खाली होगा तो उसमें डालूंगी। अरे मेरे दिन इतनी सूखी खांसी हो रही कदे नहीं होया करती, मेरा खांसी खांसी जुकाम साथ होया करता लेकिन अब की बार है ना खांसी खांसी हो रही है पता नहीं क्यों। सचिन इसका पापा आ जाए ना तो उसकी गैल जाके एक दवाई लिया हम डॉक्टर के तक तो कहते गा अब क्यों ना लेकर आई थी मैं अपने आप मेरी बाट देखी थी पर के बाट सच में उसकी देखू मैं कहा जाता है एक बार देखो।